गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देख 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 देख, जितनी भी लड़कियों की शादी हो जाती है मायके आने के बाद, फिर तो आराम की जिंदगी। ससुराल में तो क्या मेहनत तो करना ही पड़ता है। फाइनली मेरी दीदी आ गई। दीदी हेलो, हाय। आ ना, उठना आलसी। So, मेरी दीदी आ गई और तीन चार दिन हो गए मेरी दीदी को आते हुए, बट तीन चार दिन से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था तो फिर आप लोग को अपडेट नहीं पता चल रहा था। बट वही है कि मेरी दीदी आ गई है, फिर कुछ टाइम बाद वापस से चली जाएगी। जाऊंगी तो अभी सेवा हो रही है मेरी। और मेन चीज है कि जब भी मैं आती हूँ आकाश शो में ही होता है, शो में ही होता हूँ। और एक और चीज मैं बताऊँ कि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है और हर बर्थडे में मेरा शो होता है। है मम्मी, चार है कि पांच साल हो गए सच में। हाँ यार, इसका हर बर्थडे बेचारे ये मनाई नहीं पाता, मनाई नहीं पाता। बट कोई नहीं, इस बार मनाऊंगा मैं। चलो ठीक, इस बार का बर्थडे, इस बार बर्थडे अच्छा मनाएंगे, मैं भी होंगी ना उस टाइम। डन डन डन, इस बार हम जाएंगे विदेश, है ना मम्मी, मेरे बर्थडे के। देख चुप हो गई। देख 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 देख, मेरे मन के दिलासे के लिए एक बार हाँ तो बोल देती। मैंने हाँ पता क्यों, इसने जैसे विदेश बोला ना, मैंने कहा अभी तो शो में है, कैसे जाएगा वो दिमाग सोच के। मैं नहीं तो सो के बाद तो मैंने बोला ही, तूने बोला था कि जाऊंगा कहीं बाहर घूमने के लिए, मैंने कहा ठीक है। वैसे मेरी मम्मी तो कहती है पहले शो पे पूरा ध्यान दूंगा अच्छे से, फिर वहाँ से अच्छे से कमा लूंगा, फिर उसके बाद क्या, जैसे ही शो खत्म फिर उसके बाद घूमने जाएंगे, है ना दी। मैं भी जाऊंगी। पति तेरा है ना, मैं मेघा और मेघा का नया बॉयफ्रेंड। जिन्होंने भी नहीं देखा मेगा का व्लॉग जाके देखो, मेगा ने फाइनली रिवील कर दिया। मम्मी कहती है इतना तो बरसा दीदी और मैंने नहीं किया अपने व्लॉग में रिवील, जितना मेगा ने रिवील कर दिया। तो हमने भी कितना जैसे घूमते मेगा के अकॉर्डिंग हम दोनों जगह ना, पर उसने तो भाई वही अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मेघा जो है हम दोनों से काफी अलग है। मतलब वो उसके लिए ये सब व्लॉग व्लॉग कुछ भी नहीं है, बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं, बट अभी इतना आगे एडवांस लेवल हमसे भी ऊपर जा चुकी है भाई वो। वही तो, मेरे को खुद अभी इतना शौक लग रहा है, मम्मी को भी शौक हो रखा है भाई। सो अभी मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ और शेजान भी रेडी हो रहा है और हम जा रहे हैं अभी रील बनाने के लिए। जब से मैं शो में घुसा हूँ तब से क्या है कि हमारा ऐसा दो टाइम का शिफ्ट होता है। एक तो मेरा आज अगर 4 बजे का रिहर्सल है तो फिर कल मेरा 10 बजे का होगा, 10 से 4, और अगर 4 बजे आज है तो 4 से 10 बजे तक मतलब मेरा ऐसा रिहर्सल रहता है। अरे भाई साहब, आज मेरा 4 बजे रिहर्सल है और मैंने सोचा था कि आज मैं वीडियो शूट करूंगा, और ये देखो हालत देखो, बारिश बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है यार। मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैंने सोचा था कि आउटडोर लोकेशन कहीं शूट करूंगा, मेरे साथ ही होता है कभी कभी तो नोबिता वाली फीलिंग आती है मेरे को। दाढ़ी भी नहीं काटी, एक तो अजीब सा लग रहा हूँ भाई। सो गाइस, बेसिकली अभी हम आए थे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए और लोकेशन मिल नहीं रहा है। एक जगह मिली थी बट वहाँ पर इतने काले आ रहे कि खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हम। सो वही है, एक दो लोकेशन देख रहे कि जिसमें मेरा रील भी बन जाए। और मेरे को आज मैंने ठाना है कि दैट मेरे को आज रील बनाना है, बिकॉज मैंने 6 दिन से कुछ भी नहीं डाला मेरे इंस्टाग्राम पे, और मेरे को यूट्यूब पे भी डालना है, जो कि मैंने आज डाल दिया है ब्लॉग। तो मेरे को आज यूट्यूब का भी डाला मैंने, अब मेरे को इंस्टाग्राम का भी डालना है रील। सो वही फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। वो जो लोग भी कहते हैं ना लड़के की, आकाश को दाढ़ी नहीं आती, ये देखो आती है मुझे, मेरी देखो, इसकी देखो, ये तो पूरा जिला घोषित है इसका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टू बी ऑनेस्ट मेरा अभी इतना ज्यादा तगड़ा लफड़ा हुआ है दिमाग खराब यार, कपड़े बढ़िया पहने हैं, डांस अच्छा करता हूँ, इस डजंट मीन कि मैं कहीं भी फोन रख के वीडियो बना रहा हूँ तो छप रही हूँ। एग्जैक्टली यार, मतलब वहां पर गार्ड आए, वो बोलते हैं कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं। मैंने बोला सर मैं ऐसे प्लेन बैकग्राउंड में बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं दिख रहा था ना मॉल, बंदा वो वीडियो देखने भी आया तो वो बोल रहा कि कहाँ पर बनाया आपने वीडियो, मतलब उसको भी नहीं पता था कि मैं वीडियो कहाँ पर बना रहा था, और ना ही वहाँ के जितने भी ऑडियंस वगैरह थे उनको परेशानी हो रही थी वगैरह, कुछ भी नहीं था। हम मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई वो परेशानी में, तो हम उनको खुद बोल रहे थे कि आप जाओ, हम अपना डांस रोक के बोल रहे थे जाओ, बट फिर वहां से वो वीडियो अलाउड नहीं है, ये सब वो सब अलाउड नहीं है। गाइस टू बी ऑनेस्ट, कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो ना या फिर डांसर हो आप, बिकॉज आपको पूरा ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सब का बहुत लड़ाई वड़ाई हो गई थी हमारी थोड़ी गार्ड भैया के साथ। अब उनको भी क्या बोले, उनका भी जॉब था, बट जिस तरीके से उन्होंने बोला ना मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे भाई को कुछ तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे तुझे, मुझे नहीं बोल तेरे को रहे थे, बट मेरे को बोल रहे थे तू ये गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा, तो मेरे को आके ऐसे बोलते कि ऐसा, तो मन के बहुत दिमाग है और फिर वो ऐसा हो गया। फिर आया मैनेजर, फिर मैनेजर को मैंने बोला कि सर देखो हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे, हम नॉर्मल ऐसे वीडियो बना रहे। क्या ही बोले, अभी दूसरी साइड आए देख रहे हैं वीडियो अगर बन जाए तो, बट मेरे को ऐसा था कि आज मेरे को वीडियो बनाना ही है और इतना सब कुछ हो गया, मूड खराब हो गया, अभी रिहर्सल भी आई बीडी का और ऐसे मुंह लेके जाऊंगा तो फिर कैसा होगा यार। बट कोई नहीं, पहले वीडियो तो बना के रहूंगा भाई, आज तो भाई बहुत हो गया। कसम यार, डने
इन लोग से लड़के भी फायदा भी नहीं। वही तो मैं वो मेरे को समझा रहे थे, तो मैंने बोला सर देखो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, इससे अच्छा मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तीनों दोस्तों ने वादा किया था कि ये जो जितने भी चुल्लू भर के आए हैं ना ये दाढ़ी, ये सब साथ में कटवाएंगे और देखेंगे कि कैसे लगेंगे। खुद कटवा के आ गया गद्दार दोस्त। गद्दार नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं, मैं अपने हाथों से खुद ही काटता हूँ। तो अंजल तूने धोखा क्यों दिया बे साले, तेरे को बोला था कि साथ में काटेंगे, खुद कटवा के आ गया, बताया भी अंशुल भाई इसलिए काट लिया, अंशुल भाई को काटने की आदत लगी है। नहीं नहीं लड़कियों ने इतना काट दिया कि सब बोला मैं खुद काटता हूँ, ये बोलना चाहता था। मुझे लगा काट देंगे आज, मैं कल ये बोला तो था मैंने ट्रिमर घर पे काटूंगा। दोस्त है ना कोई, धोखेबाज दोस्त की कसम मेरे दिमाग में आया, मैं पूछ रहा था पर तब तक मैंने ना यहाँ का ऐसा मार दिया था, तो ढंग से काटना भी नहीं आया इसको, सोचो यहाँ का छोड़ के बचा। काम कर लो, काम ब्लॉग देखने आ रही है। सॉरी गलती, धीरे मार रहा था। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये? एक मेरा बेटा ब्लॉग बना रहा है, उसका ब्लॉग देख लो। मैं अपने कंटेस्टेंट को छुपा रहा हूँ, मैं उसको दिखा नहीं सकता भाई, हट जाइए पीछे। हाँ कॉफी बस वही है, ऐश की जिंदगी चाहिए इनको, कॉफी हाथ में चाहिए, व्लॉग चलता रहा है बस। और ये देखो ये ट्रैश मैट बेसिकली हमारा वो होता है कि जिसमें हम फ्लिप मारे हमें चोट ना लगे करके, यही उसमें बैठते लेटते हैं। देख कोई कोई नहीं, एक होता है ना बिगड़े हुए बच्चे नहीं होते, पापा जब कुछ कह रहे होते सुनना नहीं होता। क्या फ्रेम आ रहे ना, इंडियाज बेस्ट डांसर पीछे। गरीब जो लग रहे यार, गरीब जैसे लग रहे। मैं तो अमीर लग रहा हूँ, तू अपना देखो अंदर से गरीब बाहर से अमीर। ऐसा मत बोला यार। तो मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, आज मैंने इसे ये पहना क्योंकि मैं आज रील शूट करने गया था, तो आप कैसे कर लेते हो मतलब रिहर्सल और रील शूट एक साथ? ब्रो सुबह उठना पड़ता है, तुम्हारा सुबह में जल्दी हो जाता ना, मेरा सुबह में नहीं होता। सुबह में जल्दी हो जाता है? सुबह में जल्दी क्या जल्दी हो जाता है? नहीं मैं एडजस्टमेंट ये मेरा चल के दिखा, नहीं चल के दिखा यार, जैसे शुभ्रनील भाई चलते हैं। ये क्या बात है, अंकल गंदी नजरों से देख रहे, गंदी नजरों से देख रहे हैं आपको। हाँ शुभ्रनील भाई के रील्स। तो वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो है वीडियो पे बहुत पैसे खर्च होते हैं, बट बंदा फोन रख के आराम से शूट कर लेता है, ये सही है भाई। इतना गंदा लग रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा हूँ अभी सब मेरे को ना चौमिन मांगेंगे, ये एक चौमिन चौमिन ऐसे लग रहा है, इसलिए बोल रहा था भाई दाढ़ी। ये देखो रिहर्सल पे कौन आया, हाय बोल हाय। पहले इसकी शक्ल और इसकी शक्ल देखो, बताओ सेम नहीं लगते ये? तो ये सेम नहीं लग रहा देखो। भाई सेम, ऐसा मुंह कुछ मत बना, स्ट्रेट रहे, तू भी स्ट्रेट रहे एकदम, देख यहाँ देख यहाँ देख। हाँ ये तो भाई पूरा लग रहा है, ये पूरा लग रहा है, ये देखो सेम नहीं लग रहा, एक साइड वाला सेम। हाँ भाई मौसम का तो पता ही नहीं होता, ये देखो हमारा 4 बजे रिहर्सल था और 6 बजे कि दैट। हाँ टाइम का कुछ पता नहीं होता भाई, मतलब रिहर्सल हमारा 4 बजे का था और अभी कितने बज रहे, 6:44 मतलब 7 बज गए। हम मतलब एक ही जगह पे, जैसे स्टेज पे गए तो स्टेज पे ही रहते हैं 3-3, 4-4 घंटे। गाइस रिहर्सल किए हुए कितने दिन हो गए भाई मेरे को? 5 दिन, कुछ नहीं पता है। 5 दिन से जो रिहर्सल मैं कर रहा हूँ भाई, लास्ट शो झलक किया था उसको भी 1 साल होने को आया ना, 1 साल होने के बाद अभी मैं शो कर रहा हूँ भाई, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब मैं क्या बताऊँ आपको। वो यूज़ टू जो होती है ना बॉडी, झलक में हो गई थी, फिर उसके बाद फिर छोड़ दिया 1 साल, फिर उसके बाद IBD कर रहा हूँ, तो उसके चक्कर में इतना ज़्यादा इंजरी हो गया ना। बट यहाँ पर रेवती डॉक्टर है, हाय डॉक्टर। तो ये मेरा ध्यान रख रही है पीछे, और भाई कितना गंदा लग रहा है, सॉरी। हाँ तो वही है कि ये डॉक्टर जो होते हैं हमारा ध्यान रखते हैं भाई, क्योंकि हमें इंजरी कभी भी ऑन द स्पॉट हो जाती है बिना बताए, मतलब इंजरी इट्स लाइक माय रिश्तेदार कभी भी आ जाते हैं। तो वो वाला सीन है भाई, कल कटवा लूँगा मैं दाढ़ी, पूरे व्लॉग में कैसा अजीब सा लग रहा है छोटे छोटे। गाइज ये देखो मेरे नाम का बोतल दिया इन लोगों ने, यही है फ्रेम्स कंपनी जो हमें पैसे देती है भाई हफ्ते भर का। सेक्सी सन्नी इधर आओ, गाइज मीट सेक्सी सन्नी, मतलब भैया का नाम सन्नी भैया है बट मैं इनको प्यार से सेक्सी सन्नी बुलाता हूँ, बिकॉज इनकी अदाएं देखो
एक ठुमका मार के दिखा ऐसा। एक ठुमका मारता हूँ क्या? नहीं मैं नहीं नहीं तो वो कल आप नहीं थे जो साड़ी पहन के ऐसा ठुमका लगा पता नहीं लड़का मजाक करो। ये हमारे सन्नी भैया है और ये जितने भी टॉप 12 के कंटेस्टेंट है वो उनको संभालते हैं। इधर आओ, ये देखो लॉन्डो से किस लेते हैं और फिर उसके बाद घर पे सोते हैं अकेले। और क्या सबके साथ सोऊंगा क्या? अच्छा नहीं नहीं मैं बोल रहा था कि अगर दाढ़ी वाड़ी पेट पेट आ गया तो बच्चे होंगे आपके। हाँ, है ना बच्चे है। कितना अनलकी बच्चा होगा इनका मजाक करो हम इनके साथ। सिंगल हो तो कौन से ब्लॉग में बोल रहे हैं? जितने भी लड़के हैं सभी कॉन्टेक्ट हमारा पैकअप हो गया। बाय सन्नी भैया। अरे फ्री का फुटेज लेते हैं हमारे भैया, ये और कुछ नहीं है। सो गाइस बढ़िया मौसम हो रहा है तो मैंने एक बढ़िया सी लाइन बोल दी और इसने बोला कि वाह भाई मजा आ गया एक और बार। तो मैंने बोला क्यों ना आप लोग को भी मैं सुनाऊं, तू बंद हो जा 2 मिनट। सो लाइन कुछ ऐसी है, वो मेरी कब्र पर आई अपनी हमसफर के साथ। क्या बात, वो मेरी कब्र पर आई अपने हमसफर के साथ, कौन कहता है कि दफनाने के बाद जलाया नहीं जाता। ओए होए, अरे वाह ताली भाई ताली। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये इंसान को देख रहे हो आप, ये दिल टूटा आशिक, शक्ल से लगता है 16 साल का है बट है 27 का। ये नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, ज्यादा बोल दिया 30 यस मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं बट हम सबसे ज्यादा मेच्योर ये है, हम सबको मेच्योर बनाने वाला ये है। ये तो बात सच है, बात तो सच है। लिप किस कर देना, इतना कर ही दिया है तो। सबसे पहले ब्रेकअप भी इनका ही हुआ था हमारे। अरे आप तो हार्दिक हो ना आप एक्टर हो, टिकटॉकर थे पहले चरनी देखो भाई 15 सेकंड से 1.5 घंटे की इसमें आ रहा हूँ। ओ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। तो इसी बात में भाई खिलाएंगे मैकडी, मैं खिलाऊंगा, पैसे ये देगा, ये टिकटॉकर है अभी भी। ऐसे खाया है जैसे मैकडी पहली बार खाया हो जिंदगी में तीनों। अब यही चीज अगर इनकी कोई क्रश या फिर गर्लफ्रेंड होती सामने, आई एम ऑन डाइट आई विल हैव, ये होता, ये सीन होता। अभी तो क्या है, बर्गर एक साइड से बर्गर, फिर फ्राइज, फिर पेप्सी एक साथ। प्रोफेशनल बनूंगा इसके। आज तक वुल्वरीन है इसकी टांग, अंधेरी का वुल्वरीन। अबे यार तेज है बहुत अंदर। बेसिकली अभी हम शूट करने हैं अंदर, लॉट ऑफ गर्ल्स, और ये बता रहा है कि कैसे मिलेगा उनसे। और दूसरा बंदा ये देखो रेडी हो रहा है दूसरा बंदा रेडी हो रहा है ये। और उस बंदे को तो जरूरत ही नहीं है कुछ सेट वेट करने की, वो आंखें दिखानी है, सिर्फ आंखें दिखानी है। उनसे ऐसी बात करना, हाय कैसे हो आप, बढ़िया हो, आप बहुत बढ़िया लग रहे हो, ऐसे करना। फाइनली गाइज रिहर्सल कंप्लीट हो चुका है, घर आ चुके हैं। ये वाला व्लॉग जो है इतना ही रखते हैं। हार्दिक भाई पीछे हैं, शेजान इधर है, अंशुली इधर है और मैं इधर हूँ। सो ये वाला व्लॉग जो है इतना रखते हैं। होप करते हो कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि दैट अगर डेली व्लॉगिंग हुई तो पूरी कोशिश करूंगा, है कि नहीं। डेली व्लॉगिंग तुम्हें चाहिए? यस यस, तेरी थोड़ी सुन रहा हूँ मैं, ऑडियंस की सुनूंगा, ऑडियंस की सुनूंगा। कमेंट डाउन बिलो, क्या कैंडी हुंदी शराब आई मजा करो। हाँ सो वही मैं बोल रहा हूँ, इन सब की 1, 2, 3 तुम दोनों के यहाँ, नहीं तुम दोनों के यहाँ, तुम तीनों के यहाँ पर मैं रिश्ता बना। अभी क्या हुआ, बेसिकली मेरे घर वाले सब सो चुके हैं और वही है कि टीनेज वाली लाइफ ऐसी हो जाती कि 2-3 बजे तक नींद नहीं आती। तो वही है कि हम सोने ही जा रहे थे तो, बट फिर वही है कि आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था इसको, इसके थोड़े स्विंग्स हो रहे थे तो वही वाला सीन था कि दैट आइसक्रीम वगैरह मंगाई थी। तो वही अभी सोने जा रहे हैं, आइसक्रीम खा के सोएंगे फिर। तो ये वाला व्लॉग जो इतने रखते, होप करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करने का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस थोड़ा जोर की बोला, आवाज़ नहीं आती। सब्सक्राइब सब्सक्राइब अंशुल ने बोल दिया तो कर दो गाइस।
लव यू। बहुत गंदी एक्टिंग करता तू, मां करूं बहुत गंदी एक्टिंग करता तू, मत करा। अच्छी एक्टिंग कर लेता मैं। बहुत गंदी। तुम्हारा ऑडिशन किसने किया? रिकॉर्ड किया ना एक्टिंग, मैंने किया भी है भाई। ऐसे करना चाहिए। झूठा मारूं तेरे मुंह पे मम्मी अगर उठ के आ गई। एक चक्कू लेके आता हूं, मार दो गाइस एक दूसरे को। कह रहा हूं देश को, इसको तो छोटे वाला भी चलेगा। वो आता ना कि एकदम गुंडे वाला, एक छोटा सा वो जिसमें कान भी खुजाने के लिए होता है, वो जो वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, नेल कटर के साइड में जो होता है। लड़ाई ट्राई करोगे खून निकले एक दूसरे का। मम्मी सो रही है गाइस, थोड़ा पीट कर मार नहीं सकता इसको मैं। पीट हनुमान जी बना रखे, शिव जी बना, टैटू बना रखा अंशुल ने हनुमान जी का पीछे। तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं बेसिकली, मेरा आउटफिट चेक। So, हम ऐसे ही रहते हैं। हार्दिक भाई थोड़े स्मार्ट है, तो वो थोड़े ना अपने हिसाब से रहते हैं। हार्दिक भाई थोड़े स्मार्ट है, मेरे कपड़े पहन लेते हैं, मेरे कपड़े पहन लेते हैं और वो स्मार्ट भी लगते हैं। बट और हम देखो यहाँ पर, ये है हमारा हाल। चलो भाई बाय, कल है चैनल व्यूइंग, सो बाय बाय। कल आपको मेरी दाढ़ी काटूंगा, तुम्हारी दाढ़ा है, मेरी दाढ़ी है, तुम्हारा दाढ़ा है। तो वही सीन है कि कल सुबह दाढ़ी काटूंगा। ये आज चिकना हो गया, मैं कल चिकना होगा, परसों तू होइयो, ठीक है भाई? डन भाई, देख ये मेरे को कभी कभी बहुत शक होता है कि ये लड़का है कि क्या है, बस एक्सप्रेशन देखो इसके, दिखा, ये स्वीट है, चाशनी है मेरा भाई। मैं भी सोच रहा हूँ क्लीन शेव कर लूं। भाई कर लो यार, कसम से थप्पड़ मारने को तो मन करे तुम्हें देख के। क्लीन शेव हो जाओ एकदम बढ़िया भाई, क्लीन शेव हो गया ना मैं बहुत सुंदर लगूंगा भाई। भाई बहुत ग्रेट्स फ्लैट हो जाएंगी, कोई रेट पूछ के चला जाएगा इनका फिर। भाई इसका काउंटर दो। नहीं है इसका काउंटर, इसका काउंटर क्यों नहीं है काउंटर? अब तो व्लॉग बंद करने का बनता है भाई, काउंटर ठीक है, काउंटर नहीं काउंटर। चलो बंद कर दे, कहते ठीक है भाई। चलो भाई।